डोटासरा साहब, मेरे पास जो जानकारी आज आई विधानसभा से, उसमें यह बताया गया साहब कि 1,67,000 जिसका कि जिक्र अभी राठौड़ साहब कर रहे हैं, इतनी तो दे दी गई, 95,000 और इस साल के अंत तक दे दी जाएंगी। अब जब इतनी नौकरियां दे रहे हैं डोटासरा साहब, तब तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको भी स्वागत करना चाहिए साहब, रोजगार मिल गया सब लोगों को, वो भी सरकारी नौकरी मिल गई। ऐसा है सर, इन्होंने ये कहा था जब सुराज संकल्प यात्रा इन्होंने की थी कि अशोक गहलोत सरकार ने नौकरियों को कोर्ट में अटका करके बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दी, हम 15 लाख लोगों को रोजगार सरकारी नौकरी देंगे। अब आप देखिए, थर्ड ग्रेड के टीचर रीट को खत्म करके टेट लाएंगे और 1,15,000 थर्ड ग्रेड के टीचर लाएंगे और उसमें से एक की भी अभी आज की तारीख तक एग्जाम ही नहीं हुई, नियुक्ति दी नहीं। आज विभिन्न प्रकार की भर्तियां जो है वो सारी की सारी, जो हम पे आरोप लगाते थे कि कोर्ट में अटकाते हैं, आज ये खुद कह रहे हैं कि कुछ कारणों से कोर्ट में अटकी पड़ी है। तो फिर आपने जनता से झूठे वादे क्या किए, क्यों किए? आज विद्यार्थी मित्रों का आप ले लीजिए, दूसरे थर्ड ग्रेड के टीचर का आप ले लीजिए, व्याख्याता कॉलेज के व्याख्याता ले लीजिए, सेकंड ग्रेड ले लीजिए, दूसरी अन्य विभागों की भर्तियों को ले लीजिए, मदरसा पैरा टीचर का ये खत्म कर रहे हैं, पता नहीं इसमें पीएचडी में खत्म कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग में पद समाप्त कर रहे हैं, तो कर क्या रहे हैं, फिर कहां दे रहे हैं ये नौकरी? आप 9 लाख की बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी आंकड़ा, 8 और 9 लाख हमने नौकरियां दे दी, कहां दे दी वो बताइए तो सही आप। तो ऐसे में सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, जब इन्होंने स्वयं ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार ने कोर्टों में अटका करके गहलोत सरकार ने नौकरियां नहीं दी, तो अब जवाबदेही इनकी बननी चाहिए कि ये बताएं कि आपने कैसे नहीं दी। और ये तो स्कूलें बंद करके पद समाप्त कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग में पद समाप्त कर दिए, शिक्षा विभाग में पद समाप्त कर रहे हैं, तो फिर लोगों को, बेरोजगारों को इन्होंने झूठे और थोते वादे किए क्यों, ये सवाल हम सब। डोटासरा साहब, 3 लाख नौकरियां दे दी हैं, 1 लाख मुद्रा योजना से हो गई हैं, 9 लाख स्किल डेवलपमेंट से हो गई हैं, 1 लाख इस साल दे देंगे, आपको क्यों आपत्ति सर? सबको तो नौकरियां दे दी। ये जो आंकड़े राठौड़ साहब दे रहे हैं, इनके आंकड़े अलग हैं, कटारिया जी के आंकड़े अलग हैं, मुख्यमंत्री जी के आंकड़े अलग हैं, शिक्षा मंत्री के आंकड़े ही अलग हैं। मेरे को तो इतना सा बता दो कि मुख्यमंत्री जी ने सुराज संकल्प यात्रा में ये कहा था, एक बात ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा, कि 1,15,000 थर्ड ग्रेड के टीचर्स की भर्ती हम इसको रीट को खत्म करके टेट के माध्यम से करेंगे। उसके बाद में इन्होंने 85,000 कहा, दूसरे तीसरे सत्र में, चौथे सत्र में जब शिक्षा मंत्री बदल गए तो कहा 55,000 करेंगे, फिर अभी पिछले 7वें 8वें 7वें सत्र में इन्होंने कहा कि 35,000 करेंगे, अजमेर में 15 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री ने कहा कि 25,000 थर्ड ग्रेड के टीचर्स की भर्ती करेंगे, आज दिन तक एक हुई हो तो आप बता दें, अब कह रहे हैं अब एग्जाम कराएंगे। अरे भाई, 4.25 साल निकल गए, आप थर्ड ग्रेड के टीचरों ने दुनिया भर के करोड़ों रुपए बेरोजगारों ने आपको जमा करा रखे हैं, 4-4 बार फीस ले ली, और आज न तो कर्मचारी चयन सिलेक्शन बोर्ड आपका काम कर रहा है, न आरपीएससी में 1.5 लाख भर्तियां लंबित पड़ी हैं, आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो आप कभी 2 महीने का बना रहे हो, कभी 4 महीने का बना रहे हो, व्याख्याता कॉलेज व्याख्याताओं की 1.5 साल से भर्तियां पड़ी हैं, आरएएस की जो एग्जाम हुई पड़ी है, 6 महीने हो गए रिजल्ट आए, आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप कोर्ट में पैर भी नहीं कर रहे हो, नई आरएएस की वैकेंसी आप निकाल नहीं रहे हो, नए आरएएस के कितने लगा दिए, आरएएस के 2013 कांग्रेस के समय के अटके हुए पड़े हो, हमने निकाले लगाए वो।